नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम क्लाउड सीडिंग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट्स के तहत नागपुर, वाराणसी, हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर और हाल ही में सोलापुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग प्रयोग कर रहा है। कृत्रिम वर्षा कराने में इन प्रयोगों की सफलता दर लगभग 60 से 70% है। यह स्थानीय वायुमंडलीय स्थिति, हवा में नमी का स्तर और बादल की विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। आइए सबसे पहले क्लाउड सीडिंग क्या है ये समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें बादलों की ऊपरी परतों पर सिल्वर आयोडाइड, एरोसोल या सूखी बर्फ की बौछार करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पहला, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें बादलों के निचले क्षेत्रों के भीतर फ्लेयर्स या विस्फोटकों का उपयोग करके लवणों का छिड़काव किया जाता है। जैसे जैसे पानी इन लवणों के साथ जुड़ता है, वे आकार में बढ़ते हैं, जिससे वर्षा को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। स्थैतिक बादल बीजन में सिल्वर आयोडाइड जैसे रासायनिक पदार्थ का बादलों में छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक केंद्रक के रूप में कार्य करता है, जिसके चारों ओर नमी संघनित होती है। यद्यपि बादलों में नमी पहले से मौजूद होती है, सिल्वर आयोडाइड की उपस्थिति बादल की वर्षा की क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग बादलों के भीतर ऊपर उठती वायु धाराओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्रक्रिया पानी के प्रसार को बादलों के बीच बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा में वृद्धि होती है। गतिशील क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया स्थिर सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल है, क्योंकि यह सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने वाली कई घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान से पश्चिमी घाट पर स्थित सोलापुर में क्लाउड वर्षा में 18% सापेक्ष वृद्धि हुई है, जो लगभग 8.66 मिलीमीटर अतिरिक्त वर्षा के बराबर है। सोलापुर में आमतौर पर कम वर्षा होती है। यह वृद्धि क्लाउड सीडिंग के बाद 2 घंटे की अवधि में देखी गई। इस अध्ययन में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से पानी के उत्पादन की लागत का अनुमान 18 पैसे प्रति लीटर लगाया गया है। अगर स्वदेशी सीडिंग एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाए तो इस लागत को 50% से अधिक कम किया जा सकता है। यह लागत प्रभावी दृष्टिकोण सोलापुर जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जहां पानी की आपूर्ति सीमित है। आइए अब क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग देखते हैं। क्लाउड सीडिंग वर्षा को प्रेरित करने के साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए 2017 में कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना के तहत इसका सफल कार्यान्वयन किया गया। अगर हम कृषि में क्लाउड सीडिंग के उपयोग की बात करें तो इसके माध्यम से समय पर नियमित सिंचाई सुनिश्चित की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में क्लाउड सीडिंग से पन बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग ग्रीष्मकाल में न्यूनतम नदी प्रवाह को बनाए रखने और नगर पालिकाओं और उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग को पहाड़ों की बर्फ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वसंत के दौरान जल अपवाह में वृद्धि होगी। 1962 में USA में प्रोजेक्ट स्काई वाटर जैसी पहलों के तहत क्लाउड सीडिंग के माध्यम से मौसम में बदलाव, कोहरे का निर्माण, ओले और चक्रवात में कमी जैसे सफल प्रयोग किए गए। क्लाउड सीडिंग से वर्षा के माध्यम से विषाक्त वायु प्रदूषकों को हटाया जा सकता है, जो वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल के प्रयासों में दिल्ली में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन लाभों के साथ क्लाउड सीडिंग से कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग में रसायनों का उपयोग पौधों, जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण को संभावित नुकसान पहुंचा सकता है। वायुमंडल में इन पदार्थों के प्रवेश के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। यह प्राकृतिक जलवायु पैटर्न को बाधित कर सकता है। कम नमी वाले क्षेत्रों में वर्षा करने से अन्य क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। क्लाउड सीडिंग के कार्यान्वयन में अत्यधिक खर्च और लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है। इसमें वायुमंडल में रसायनों का छिड़काव और हवाई जहाज आधारित फ्लेयर शॉट्स जैसे महंगे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ आदि के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं से अवशिष्ट सिल्वर आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विषाक्त हो सकती है,
इसके अतिरिक्त सूखी बर्फ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर सकती है। सोलापुर शहर में इस प्रयोग ने वर्षा को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग की क्षमता को प्रदर्शित किया है। ये शोध पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है। हालांकि क्लाउड सीडिंग का प्रयोग नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।